इस संसार में हम अंधविश्वास क्यों करें, हम भगवान पे अंधविश्वास क्यों ना करें, अंधविश्वास क्यों ना करें। धर्म निरपेक्ष का मतलब होता है जगत गुरु जी जो धर्म रहित हो, और धर्म सापेक्ष का मतलब होता है जो धर्म सहित हो। आज तक ये शब्द हटाया क्यों नहीं गया भारतीय इतिहास से या भारतीय जनमानस के बीच से। आप जगत गुरु हैं तो प्रेतादिकों का जिक्र वेद व्यास जी ने 12 पुराणों में कम से कम दिया हुआ है, जितने मैंने अवलोकन किए हैं या जितने मेरी दृष्टि में आए हैं। एक तब प्रेत निकालने वाला आपका शिष्य कैसे हो सकता है जब आप भूत प्रेत को मानते ही नहीं है, मुझे ये भी बता दीजिए। अवलोकन करिए, अपनी दृष्टि से देखिए कि प्रेतादिकों का जिक्र कहाँ कहाँ आया है। एक वेद को छोड़ के सभी हमारे उपनिषदों में भी कहीं ना कहीं होगा, और उपनिषद में भी नहीं है तो पुराणों में तो है ही है। ये तो मैंने पढ़े ही हैं कि पुराणों में प्रेतादिकों का जिक्र है, और इसके अलावा 84 जो तंत्र ग्रंथ हैं वहाँ भी प्रेतादिकों का जिक्र है। भगवान शंकर तो स्वयं प्रेतादिकों के राजा हैं, महाराजा हैं, और उनका संरक्षण करने वाले हैं। तब राक्षस देव सभी तो उन्हीं के हैं, फिर कौन उनका नहीं है। तो पूज्य जी, मैं तो आपसे ऐसे जवाब मांगता हूँ कि आपने जो वहाँ किया और जो वहाँ कहा वो कहाँ तक सार्थक है आपकी दृष्टि में, और क्या तुलसीदास जी कबीरदास जी जो जल पढ़ के देते थे वो कहाँ तक सार्थक है। फिर राम सुखदास जी ने प्रेत को माना, फिर कल्याण अंक की पत्रिका में 1978 में एक प्रेत की कहानी छपती है, फिर भाई जी हनुमान प्रसाद जी के पास खड़े होकर एक प्रेत अपना उद्धार की कामना करता है, और कल्याण पत्रिका में क्या छपता है कि एक उनके आचार्य जो गया जी गए थे वहां से उनको एक प्रेत लगा, वो प्रेत उनके अंदर आके रशियन भाषा बोलता था, और उसके उद्धार के लिए, उसकी मुक्ति के लिए, और उसको उन आचार्य के शरीर से निकालने के लिए सारे भारतवर्ष में तांत्रिकों से, भक्तों से, मांत्रिकों से सबसे प्रार्थना की गई, वो निकाल नहीं पाए। फिर भी आप इस बात को तभी सत्य मानिएगा जब शनि धाम में आपका पग रखा जाए, और शनि धाम में आप आके मेरी वैदिक रीति देखें कि मैं यज्ञ चिकित्सा कर रहा हूँ और लोगों का क्या ठीक हो रहा है। फिर मुझे एक अवलोकन करके इस देश के, इस भारत के, इस सनातन धर्म के और इस संसार में उत्पन्न सभी डॉक्टर बताएं कि क्यों चर्च में जाके लोग ठीक हो रहे हैं, क्यों मस्जिदों में जाके लोग ठीक हो रहे हैं, और क्यों शनि धाम में आके और ऐसे धामों में जाके लोग ठीक हो रहे हैं, और क्यों इस भारत में आपके रहते हुए कि जब आप भूत प्रेत को नहीं मानते, क्यों इस भारत में बजरंग बली का ऐसा स्थान है या ऐसे बहुत सारे बजरंग बली के स्थान हैं जहां पर प्रेत निकाले जाते हैं और प्रेत भूत पिशाच निकट नहीं आवे, क्यों है आपके रहते। जब आपका इतना कीमती समय लग रहा है तो समय रहते ही इसका अवलोकन करा दीजिए, इन सबको मार भगाइए आप हनुमान जी की कृपा से, जो लोग प्रेतादिकों को निकाल रहे हैं, लोगों के कष्टों को दूर कर रहे हैं। वरना तो ये आप पे ही लांछन लग जाएगा कि आप भूत प्रेत को तो मानते नहीं थे और फिर भूत प्रेत वाले इस देश में पनप रहे हैं। क्यों पनप रहे हैं? कोई डॉक्टर इस बात की रिसर्च करे कि अगर इसको शारीरिक रोग है तो मंदिर पे जाने से क्यों ठीक हुआ, फिर जल देने से क्यों ठीक हुआ, क्योंकि ये शारीरिक रोग कदापि नहीं थे। मैं आपको फिर बताता हूँ, मेरी पूजनीय आपसे हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है कि आप एक बार शनि धाम में आए, मनु भैया आपके सामने यज्ञ करेंगे। मेरे को 20 साल हो गए यज्ञ करते, और मुझे इस यज्ञ ने, इस अग्नि देव ने, इस धरा ने, इस पावन भारतवर्ष ने और इस सनातन पत्ति ने मुझे कुछ दिया है। मैं दिखाना चाहता हूँ आपको भी और इस समस्त जगत को भी कि जो माताओं बहनों के शीश घूमते हैं उनको बंद कैसे किया जा सकता है। तब आप अपने ही रोगी लेके आए जिनके दर्द, जिनके कष्ट नहीं मिट रहे हैं, केवल दर्द नहीं मिट रहे हैं, क्योंकि प्रेत जहां भी, पितर जहां भी दोष होता है वहीं पे आपको दर्द उत्पन्न होता है, और दर्द वो होता है जिसकी डॉक्टर दवाई देते हैं और वो मिटता नहीं। तब आप ऐसे अपने आप ही 50 पेशेंट लेके आए और 50 ऐसे लेके आए जिनके सिर घूमते हो। तब मनु भैया का वादा है कि अगर मेरे हृदय में आप विराजते हैं, कौन, राम भद्राचार्य जी विराजते हैं, तो उन प्रेतों का समूल नाश करूंगा, समूल, और इस पूरे भारतवर्ष को, इस जगत जननी को भी दिखा दूंगा कि देखिए कि मनु भैया ने कितने वर्ष तपस्या करके इस मंत्र औषधि उत्पन्न की है, और वो मंत्र औषधि जगत का कल्याण करने के लिए है। मैं चाहता था कि आप लोग मेरा साथ दें और एक ऐसी यूनिवर्सिटी बने जहां पे ये शोध हो, और प्रत्येक हॉस्पिटल में, जैसे क्रिश्चियनों के हॉस्पिटल में एक एक पादरी बैठा होता है, पहले वो प्रार्थना कराता है, तब प्रत्येक हॉस्पिटल में एक एक मंत्रवेत्ता बैठा रहे और वो लोगों से पहले प्रथमतः प्रार्थना कराए। और अगर किसी को ये जानना हो मेरे शरीर में प्रेतादिक है कि नहीं है,
तब मैं बताता हूँ कि केवल आप 15 मिनट मानसिक जप करें आंख बंद करके, आपके शरीर में प्रेतादिक है तो आपके दर्द बढ़ जाएंगे, आपका कष्ट बढ़ जाएगा या फिर एकदम से खत्म हो जाएंगे बिना कोई दवाई दिए। और अगर बढ़के घटे तो प्रेतादिक है, अगर बढ़े रहे और बढ़ जाए तो प्रेतादिक है, अगर संपन्न वहीं पर स्थिर रहे आपके दर्द तो समझो आपको प्रेतादिक बाधा नहीं है। आप खुद ही अपने शिष्यों से वहां करा के देख लीजिए, बहुतों को दर्द होंगे। किसी दिन आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के यहाँ जाए तो वहां लोगों से पूछ लीजिए और उस समस्या का निराकरण कीजिए। मैं चाहता था कि आप जैसे जो जगत गुरु हैं, भगवान का साक्षात स्वरूप है, क्योंकि आपके सामने तो कभी प्रेत ठहरेगा नहीं, आपके पास तो इतनी ऊर्जा है, लेकिन जिनके अंतर में ये निगेटिविटी घुस गई है, ये नकारात्मक ऊर्जा घुस गई है, उनका क्या हाल होगा ये मैं जानता हूँ। आपको मैं एक दो क्वेश्चन है मेरे जो हाँ, और मुझे ये भी बता दीजिए क्या प्रेत और पितृगण में मानना ही समस्या का समाधान है या इस पर कोई शोध करना चाहिए कि लोग इतने दुखी हैं, इतने लोग सर घुमा रहे हैं, इतनी माताएं बहनें सर घुमा रही हैं, क्या वो अपने बच्चे नहीं पालना चाहती या उनके अंदर ऐसी पीड़ा है या वो सारे के सारे जो है मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं, और फिर हो गए हैं तो क्यों हो गए हैं, और हैं तो फिर डॉक्टरों से ठीक क्यों नहीं हो रहे, समय क्यों लग रहा है इतना, और वो भी बहुत सारे लाखों रुपए का उपचार करने के बाद। तो जिसने लाखों रुपए लगा दिए वो तो किसी न किसी धाम का रास्ता ढूंढेगा ही। आज की वीडियो आप हमारी एक देख लेना, उसमें एक बच्ची के 60,000 रुपए इसी काम में लग चुके हैं कि उसने टेस्ट कराए हैं। ठीक है जी, शनिधाम कई सालों से प्रेत और पितृबाधा का कार्य करता है और वो सफलतम रूप से मैं कर पा रहा हूँ, और अब पिछले कम से कम 1.5 महीने से वो और भी सफलतम हो गया। आप आके इसका शोध कर सकते हैं, भारत के डॉक्टर आके इसका यहाँ शोध कर सकते हैं। नए आने वालों के नाम लिखें, उनको क्या क्या समस्या बताई गई है वो लिखें, उनसे पूछें उनको क्या बीमारियां हैं और उस बीमारी में मेरा वर्चस्व देखें कि मैं उनसे कैसे कैसे क्वेश्चन करता हूं, क्या वो सही है कि नहीं है और फिर वो कैसे ठीक होते हैं। ये तो जब हाल है, जब मैंने जी न्यूज़ पे एक औरत को ठीक करके दिखा दिया तब भी मेरे भारत के दो महात्माओं ने ये नहीं कहा कि क्या कहते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, उनको बताने क्यों नहीं देते ये महिला कैसे ठीक हुई, केवल हाथ लगा के। तब आप मेरे इस शोध को, मेरी इस मेहनत को, कैसे लोग जो है मेरे उस परिश्रम को, अथक परिश्रम को, जिसने मेरा बीपी इतना बढ़ा रखा है, ये अग्निदेव बैठे हुए हैं यहाँ, ये साक्षात है और शनिदेव महाराज का मैं कृपा पात्र हूँ, मैंने दोनों हाथ से उसके चरण छुए हैं, हजारों बार उनको देखा है, उनके दर्शन किए हैं, कहाँ किए हैं ये भी मैं लोगों को बताता हूँ, लेकिन इसका मुझे तनिक भी जो है वो नहीं है, अभिमान नहीं है, अहंकार नहीं है, मैं कभी अपने मुख से नहीं कहता, लेकिन आज मैंने आपको बताना पड़ा, वो भी क्यों, क्योंकि मुझे बड़ा खेद हुआ, मेरे हृदयेश्वर, मेरे प्राणनाथ, मेरे जिनका मैं भक्ति करता हूँ, उन भगवान के भी आप परम पूज्य भक्त हो, परम प्रिय भक्त हो, उनके हृदय में भी आप निवास करने वाले हो, मैं तो चाहता हूँ कि आपकी इतनी उत्तम गति होगी, ये संसार जो है आपको युगों युगों तक याद रखे, मनु भैया जैसे लाखों करोड़ों आपके चरण धूली लेते हुए मिले। और लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि उस उम्र में आके आप भारतवर्ष के जैसे अन्य बुजुर्ग जो है वो मतवाले हो जाते हैं और कुछ पे कुछ अनाप शनाप बकने लगते हैं, आप ऐसे हो जाएं, मैं ये कतई ही नहीं चाहता, ना मैं आपके विषय में ऐसा सोच सकता हूं। और क्या सारे तंत्र ग्रंथ झूठे हैं, और मंत्र शक्ति को आप अगर झाड़ फूंक बता रहे हैं तो क्या उसका कोई प्रभाव ही नहीं है, और फूंक लगाने से ही मैं आपको कान में फूंक लगा के दिखाऊंगा और ये बताऊंगा कि एक महिला को जहां भी प्रेत बैठा है वहां पे उसको वाइब्रेशन होगी और उस वाइब्रेशन का नतीजा ये होगा, वो प्रेत उस जगह को छोड़ेगा और कुछ क्षणों बाद अगर उसको प्रेता दिखे तो उसका दर्द खत्म हो जाएगा। और कितनी कथाएं ऐसी हैं, आप तो खुद कथा करते हैं, कितनी कथाएं ऐसी हैं हजारों जहां पे प्रेत का जिक्र है, तब ऐसी एक कथा आपने सुनी भी है, उस पावन कथा को करने वाले बहुत सारे कथावाचक हैं, उसका नाम है श्रीमद् भागवत कथा। हे भगवान, पूजनीय माननीय शिरोधारी है, आपने ये क्या अन्याय कर दिया आज, आपने तो तुलसीदास जी को ही अलग कर दिया इस संसार से। ठीक है, केवल आपकी मान्यता हो तुलसीदास जी धुंधले हो जाए, फीके हो जाए, क्या हनुमान चालीसा की ये लाइन मिटा दी जाए, प्रेत भूत पिशाच निकट नहीं आवे, क्या हनुमान बाहु को अलग कर दिया जाए जिसको पढ़ के बाहा की पीड़ा दूर हो गई, क्या बजरंग बाण को
अनुचित करार दे दिया जाए, अनुचित करार दे दिया जाए। आप आपका आदर किसी भी प्रकार इस संसार से कम ना हो और आप जो है यूं ही दिनों दिन भारतीय मानस पर, संपूर्ण विश्व पटल पर और संपूर्ण विश्व पटल के भूतादिकों के हृदय में विराजमान रहें, सिंहासीन रहें और आपका जो स्वर्णमय मुकुट है, जो स्वर्णमय तेज है, वो हमेशा भगवान बृहस्पति की तरह रोशन रहे। मैं तो यही चाहता हूँ। बाकी तो इस प्रकृति में क्या रचित है और किसको क्या दें, वो चाहें तो भगवान राम जो है यहाँ पे जो है नंगे पैर ठोकर खाते हुए घूमे या कांटे उनको लगते हुए घूमे। देखिए, मैं एक मामूली सा भक्त हूँ लेकिन मेरी भक्ति अनुपम दायिनी है। मैंने बड़ी कृपा पाई है शनिदेव महाराज की और मैंने जाना है कि इस संसार पे आप जो विश्वास करते हो वही अंधविश्वास है, इसके अलावा कोई अंधविश्वास नहीं है। आप डॉक्टरों पे भी विश्वास करते हो वो भी अंधविश्वास है। आप संपूर्ण जगत में अगर विश्वास करते हो वो अंधविश्वास है। इसलिए लोग गुरु की शरण लेते हैं क्योंकि वो सही रास्ते पर लेके जाते हैं और सही बताते हैं कि अंधविश्वास किस पे करना है। तब गुरु जो है वो भगवान के सम्मुख हमें कर देता है। तब कहते हैं कबीर दास जी, गुरु गोविंद दो खड़े कांके लगो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिला। और जब गोविंद सामने आ जाते हैं उनकी हम बलिहारी हो जाते हैं और गोविंद सामने आ जाते हैं तो हम गुरु के चरण पकड़ लेते हैं। लेकिन तब जब गोविंद सामने आ जाते हैं तो गुरु तो वहां से शुरू होते हैं और फिर मानस पटल पर, इस जगत के अप्रतिम पटल पर आपकी कीर्ति छाए, आप पूरे विश्व में प्रतिख्यात हो। मैं यही चाहता हूं। अभी भी आप संपूर्ण जगत में प्रतिख्यात हैं, इसलिए आपको जगत गुरु कहा जाता है। विश्व गुरु और जगत गुरु समान ही होता है, समकक्षी होता है, अलग नहीं होता है। और मरणोपरांत भी ब्रह्म उपाधि दी जाती है, ऐसा मेरा मानना है। और वो ब्रह्मोपासना उस भगवान की इतनी महिमा है, कुछ हद नहीं। आप हैं तो आज हम इस भारत के युवा राम मंदिर देख पा रहे हैं। आप हैं तो हम इस भारत के युवा भगवान राम के चरणों में मस्तक टेक पा रहे हैं। आप हमारा सहारा है, आप हमारा सबल है। वो बने रहे, उसे टूटने ना दें, किसी के विश्वास को टूटने ना दें। देखिए, मैंने आज तक कई बाबाओं का पर्दाफाश किया है और मेरी कई हजार वीडियो है, आप देख लेना जी। अभी मेरी 15,000 वीडियो मौजूद है और कोई 40,000 वीडियो झूठी नहीं बना सकता। बीच में मेरे दो चैनल बंद हो गए हैं और उनके भी 10-10 लाख सब्सक्राइबर थे, एक के 8 लाख थे, एक के 10 लाख थे। अभी 13 लाख और 7 लाख है क्योंकि मैं कथा नहीं करता, मुझे लोग कम सुनने वाले हैं। मैं ऐसी बातें कहता हूं जो कटु है, कड़वी है, लेकिन मैं आपका आदर करता हूं। आप मेरे हृदय सिंहासन पर विराजमान है तो प्रभु अनर्थक कुछ भी हो जाए मुझे तो क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि मैं तो बाल हूं, अभी बालक हूं। ठीक है, आपका ही बालक हूं, आपकी गोदी में बैठना भी चाहता हूं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे तो क्षमा कर दीजिएगा। और जो है एक बात लेकिन याद रखिएगा कि आपने जिनको शिष्य माना है, समस्त जगत के सामने जिनकी पीठ थपथपाते हैं वो प्रेत ही निकालते हैं, और उनके जो उपासक हैं, उनके जो सन्यासी बाबा हैं, वो भी प्रेत निकालते हैं। और मेरी आपसे प्रार्थना ये है कि संसार में भगवान हनुमान जी केवल भक्ति प्रदान करते हैं, आपको मुक्ति प्रदान करते हैं, और वो कभी किसी का पर्चा नहीं लिखते हैं। तो जो पर्चा लिखते हैं वो एक संत हैं, वो सन्यासी बाबा हैं, वो ही लोगों को, लोगों के उपकार करके लोगों पर, लोगों के बारे में बताते हैं और उनको उन बाधाओं से मुक्ति दिलाते हैं। हनुमान जी तो केवल भक्ति प्रदान करने वाले हैं, आपको अमृत तो प्रदान करने वाले हैं, आपको ब्रह्मोपासना बताने वाले हैं, आपको राम भक्ति में लीन करने वाले हैं, आपके सकल कष्ट संताप मिटाने वाले हैं, लेकिन बिना कहे मिटाने वाले हैं, वो बताकर नहीं करते। और पर्चे में जो लिखा जाता है वो बहुत सारी घरेलू बातें हैं, उनका भगवान से कोई तात्पर्य अर्थ नहीं है। तो मैं आपसे विनती करता हूँ, एक बार फिर मेरे विचार पर गौर कीजिएगा और डॉक्टरों से पूछिएगा कि आखिरकार ये लोग मंदिर में जाके क्यों ठीक हुए। 50 लोगों को पकड़िएगा और उन 50 मरीजों से ये पूछिएगा कि आपको क्या हुआ था, कैसे हुआ था, फिर आपने किन डॉक्टरों को दिखाया, आपके कितने पैसे लगे। तब एक कंबल वाले बाबा की वीडियो आई थी, उस वीडियो में एक आदमी सरेआम कह रहा है कि मैं आपके पास एक बार गया, मुझे लाभ नहीं हुआ, लेकिन वो साथ में ये बता रहा है कि मैं डॉक्टरों के पास 30 या 35 लाख या 25 लाख रुपए दे के आया हूँ, मुझे तब भी 0% लाभ नहीं हुआ। इन बातों पर गौर कीजिएगा।
बाकी तो डॉक्टरों की कथनी करनी आप जानते हैं, हो सकता है आपको डॉक्टरों की जरूरत पड़ती हो और आप डॉक्टरों की पैरवी करते हो, लेकिन मेरा तात्पर्य इतना ही है कि गहनता से पूछताछ कीजिए। अभी तो देख लीजिए, अभी उम्र है आपकी कुछ बाकी, और मैं चाहता हूँ उसमें आपका भी ये शोध हो जाए कि प्रेत अधिक होते हैं कि नहीं होते हैं, तब आप पूरे संसार भर को बता पाए कि हाँ जो माताओं बहनों के सिर घूमते हैं वो न ढोंग करती है न ढकोसला करती है, सबको अपनी इज्जत प्यारी है। राम भद्राचार्य जी आपको दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन माताओं बहनों के बहुत सर घूम रहे हैं, और आप ऐसे 50 आदमी नियुक्त कीजिए जिनके सर घूमते हैं, जो चिल्लियां लगाते हैं, जिनके हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं, जिनकी दांतड़ी भीग जाती है। मैं ये यज्ञ करूंगा और इस यज्ञ देवता की ही सौगंध है, वो 50 के 50 3 दिन में केवल आपको लाभान्वित मिलेंगे हर प्रकार से। जय शनिदेव।